गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक राठौर, और इसमें हम रीजनिंग करवा रहे हैं। और रीजनिंग में जो क्वेश्चन है वो एक सीरीज लेवल का है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कम्प्लीट द सीरीज। एक सीरीज दे रखी है, इसमें नेक्स्ट नंबर मुझे फाइंड करना है, वो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। जो सीक्वेंस से सीरीज चल रही है उसी सीक्वेंस से मुझे नेक्स्ट नंबर ही फाइंड करना है, तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो इसमें सीरीज क्या हो रही है, ये टी वन आ रहा है, तो यानी मतलब 9 का स्क्वायर हो रहा है तो ये टी वन आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, 4 का अगर हम क्यूब करें तो 4 चौको 16 चौको 64, फिर ये 10 का स्क्वायर हो रहा है, 100 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है 5 का क्यूब आ रहा 125, मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है वो 9 एक नंबर आगे 10, मतलब 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और अल्टरनेटिव में चल रहा है पहले 9 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब फिर 10 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब। अब क्या आएगा, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, एक बार स्क्वायर आ रहा फिर क्यूब आ रहा है, एक बार स्क्वायर आ रहा फिर क्यूब आ रहा है, तो एक बार स्क्वायर आ गया, अब क्यूब किसका आएगा 4 5, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6, तो ये 6 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, 6 6 जा 36, और 36 6 जा कितने होते हैं 216। तो यानी हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा 216 होगा, ठीक है 216। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा 216 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो, या चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।